अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अलहमदिल्ला का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से है। और आज है पाँचवा रोज़ा रमज़ान का, आज पाँचवा रोज़ा है और आज का व्लॉग मैंने कहा मैं स्टार्ट करती हूँ पूरी रूटीन के साथ। रोज़े में रमज़ान में क्या करते हैं, सारा दिन क्या क्या होता है, और ये जैसे आप लोग आप सब देख रहे हो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं था आज काम करने को, और मैं घूम फिर रही हूँ। मैंने वाशरूम क्लीन किया था, अभी बस जस्ट वाशरूम धो के आई हूँ और बस बाहर आई हूँ। ये देखिए किचन की हालत देख रहे हैं, ज़्यादा खराब नहीं है बट ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो टाइम हमारा हो गया 1:38 यहाँ पे हो रहा है, और गाड़ी को सुलाया था, अब कुछ बाहर का काम था उसमें वो करने लिए हैं। ये सारी मैंने जैकेटें जो है वो भी मैंने संभाल ली हैं, और मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ घर से। और बस अभी बैठी ये देखा ना सामने बैठी हुई हूँ, तो कुछ मैं गप्पे गप्पे मार लेती हूँ। आज क्या क्या करना, आज मैंने ये डिसाइड नहीं करनी है। 2-3 दिन हो गए मैंने मूविंग भी नहीं की और वेटिंग भी नहीं किया। रोज़ों में दिल नहीं करता, रमज़ान एक्चुअली होता है इबादत का, इबादत करो, रेस्ट कर लो और शाम में भी टेंशन बना लो। तो बस काफ़ी टाइम हो गया मैंने ना ये मूव नहीं किया। मैं मेरे कैसे तभी मैंने किया था जब ट्री लगा था, उसके बाद मैंने मूविंग यहाँ पे नहीं की, डिस्टिंग करूँगी आज। और कल वैसे हम सारे बाहर चले गए, तो आज ब्लॉग मैंने शहर में स्टार्ट किया था। सो अभी हम अब करते हैं पहले टीवी ऑन स्क्रीन, और मैं अपने बच्चों को कह रही हूँ चलो मेरे साथ थोड़ी करो यार मेरा रोज़ा है, सुबह से कहूँगा तो मैं नहीं करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग और फिर आपको हम अपने मिलते हैं किचन की तरफ, किचन में काफ़ी काम है तो लेट्स स्टार्ट। देखें सो यहाँ पे मैंने जस्ट अभी डस्टिंग की है, सोफे वाइप अप की है स्प्रे लगा के, क्योंकि लेदर है ना, और वो मिकाइल जो फीडर पीता है ना तो अक्सर क्या था ना फीडर उल्टा कर देता है, तो वो जो दूध के एक दो ड्रॉप्स होते हैं ना वो वहाँ पे पक्के हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी टाइम हो गया मैंने क्लीन नहीं किया था, क्योंकि बस दिल भी नहीं था क्या हाल होता क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। तो आज मैंने की है सारी क्लीनिंग, मैंने बहुत अच्छे से सारा टेबल सोफ़े वैक्यूम किए हैं। यहाँ पे मैं जो मेरा छोटा बेटा है मुसविर, उसने सारे शूज़ अंदर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हैं और जैकेट हैंग की है। मैंने यहाँ से सारा भी क्लीन किया, मोपिंग मेरी बाकी है अभी, और जस्ट बच्चे बैठ गए हैं यहाँ पे और मैं वापस आ गया। ये है चमचे, इनको मैं डालूंगा यहाँ पर जिधर चमचे रहते हैं, चमचे वाला उधर उधर रखना जिधर होता है, बच्चे इधर कर देते हैं, इधर का सामान उधर कर देते हैं, उधर का सामान इधर कर देते हैं, मुझे भी दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। अब क्या करें गाइस बताओ, कमेंट कर डाउन कमेंट करो, कमेंट करो हम क्या करें। हाँ ये देखो विशाल ने क्या किया है, ये क्लीन कर रहे मैं गाय लिखना, ये ब्रास खराब करता ना, मुझे रोज मॉर्निंग में इसको सही करना पड़ता है। सी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखे नजर आ रहा है आप लोगों को, ये मैं रोज सही करती हूँ, मैं रोज सही करती हूँ इसको, रोज मॉर्निंग में सही करती हूँ, जब मैं किचन क्लीन करती हूँ वो फिर सारा ना खबर इधर उधर कर देता है। सो घर का काम हो गया डन, कल हमने ट्राई की अपनी गार्डनिंग, घास बहुत ज़्यादा हो गया था तो हमने कहा चलो एक बार करा लेते हैं, और मिकाइल घर में सो रहा है और मैं और बच्चे मेरे हस्बैंड बच्चे पार्क में जा रहे हैं, साथ में हम वॉक भी कर लेते हैं। नहीं करो हाँ मज़ा आता है बच्चों के साथ टाइम दिल को गुजारना चाहिए, लाइफ सारी गुजरती है। ये पार्क है हमारा, ये देख रहे हैं आप ये ग्रीन ग्रीन कलर की, ये सारी जिम का सामान रखा हुआ है यहाँ पे ना। मैंने पहले वीडियो में समझा था ये शायद बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ पे जाके पढ़ा ना तो ये सारा जिम का सामान है। वॉक ये देखिए जैसे ये बच्ची बैठी है, आपके आर्म्स की आपके हर चीज़ की एक्सरसाइज होती है, तो ये भी मैं करूँगी लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। ये हम लोगों ये बच्चों का पार्क है जो आप लोगों ने पहले देख लिया हुआ है। तो चलें अब मैं ज़रा अपने हस्बैंड के साथ ज़रा
तीन चार राउंड लगा लूँ। यस सो गाइज, अभी मैंने मेरे हस्बैंड ने 5 राउंड लगाए हैं ये पूरे पार्क का, जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं वो अपने पापा के साथ खेलने आ गए हैं, और मैंने कहा चले मैं यहाँ से, क्योंकि रोजे में भी इतना क्या चक्कर लगाऊँ, फिर मैंने फारी में भी बाकी 4 लगाने हैं। तो ये एक अंकल हैं यहाँ पे, उनके साथ ये खेल रहे हैं, और मैंने कहा चलो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। ये देखें अंकल की उम्र देखें, पर अंकल माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव नहीं, अंकल रोज़ आते हैं पलवान को लेके। सो रेहान ले आया मेरे पास ये सुगात को और मुझे बोलता किक करो, तो चलें गाइस आए हम मिलके करते हैं किक, 1 2 3। और अब हम किक किक खेल रहे हैं, टीचर जो और यहाँ पे हमने मेरे बच्चों से स्लैक लिए और मिकाइल इंजॉय कर रहे हैं। मिकाइल और गाड़ी में हम आ गए हैं, और मिकाइल को बस सैनिटाइजर भी पड़ी है। कैसे लगाते हैं सैनिटाइजर मुझे भी दो। हाँ हाँ थैंक यू, आप भी ले लो, ऐसे करो थैंक यू। चलो चले अभी, खाना नहीं है इसको, पीना नहीं है। मिकाइल क्या लेके आया है? मिकाइल ने अपने लिए कुछ लिया नहीं है, ये बाकी से खा लेता है। जी मैंने गाड़ी ढूंढी है, गोल्डन कलर की पोर्श बहुत तेज जाती है, और ये गाड़ी है छत खुलती है, तो अब आपको स्टोर के अंदर मिलते हो। सो गाइस सी चिकन टिक्का, ये सब एशियन जैसी चीज़ें होती है ना, ये देखिए पकौड़ा 2 pound का, 12 अनियन ओके, ये स्प्रिंग रोल भी हैं। सो चिकन टिक्का पकौड़ा ये भी है, इन स्टोर में मज़े मज़े की चीज़ें ये क्या है, वेजिटेबल पकौड़ा या अन्य घर में ताज़ा खाने वाली चटनी होंगी ना, देखो स्वीट चिली सॉस है इसमें, पकौड़ा टिफिन है ये भी सेम है, पकौड़ा कितनी अच्छी चीज़, 2 kilo 2 for 1 pound की। सो अब हम घर वापस आ गए हैं, और मिकाइल मुझे कुछ, मिकाइल को बस अपने ना कहते पापा गोदी करो, गोदी करो, गोदी को बॉल, मिकाइल मुझे कहा ओह माय गॉड, कुछ ऐसे अंदर जाते हैं इसलिए स्टिक्स में, मिकाइल ने कितना छोटा लगा हुआ है, इतनी खुशी हो रही है उसको, इधर डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, एक और से की ये मसाला के पास है, हम वे ये ये बना ला, बच्चों से कराने चाहिए ऐसे काम ताकि उन्हें पता भी चले। वे या पुट द बॉल, पिट बॉल इन, यस वी बॉट अ पिट बॉल, एक और स्टिक वे आई हैव, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, समय हो गया, 4 में हो गया टाइम, मैं कहाँ बंदा कर दो, वो इसके नीचे बॉल है सारे, वो इसके नीचे बॉल है, अच्छा चलो सारे निकालो, चलो चलो अच्छा है, अभी कौन है, अच्छा गया नीचे, चले ठीक है अभी मैं ग्रोसरी खोलती हूँ और सीधे के दोबारा से कंटिन्यू। सो ये हमारा ग्रोसरी और इसको करते हैं खाना, अच्छी भी नहीं लग रही, ये बेटा ये पढ़ लिया, आपको देखिए तो आप बता दो, ये कुछ बता दो स्नैक्स से, ये कुछ मिक्स वेजीज है, अरे कल तो भी चाइनीज खाना, तुम्हारे घर चाइनीज बनाएंगे, अभी जाएंगे तो बोनलेस लाएंगे, और ये देखिए। सो ऐसी है कुछ ग्रोसरी जो मैंने आपको दिखा दी है, उम्मीद है मुझे दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अच्छे हैं 2 minutes में दिए जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे फ्लेवर है, 3x गोल्डन सिरप है, एप्पल ब्लूबेरी है एंड ओरिजिनल, ओरिजिनल तो डेफिनेटली मेरे ही होगा, बाकी इनकी कैचअप फिनिश थी, रमजान में पता कैचअप की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो ज़्यादा सामान नहीं लाए, ये एग लाए थे और सॉस वगैरह जो मैंने आपको सब दिखा दिया है, और यहाँ पे है कुछ ये पिज़्ज़ा बच्चों के लिए, स्कूल के लिए ना, बस ये बहुत अच्छा है और बहुत टेस्टी है, जल्दी से बस इसको आप देख कर लो सुबह, और ये मैं 4 पीस लाई बच्चों के। सो ये है मेरी इफ्तारी, चिया सीड्स का पानी और 2 शामी, इसमें कोई ऑयल नहीं है, विदाउट ऑयल है, और 1 teaspoon जो है कैचअप और 1 खजूर बस। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी इफ्तारी में मैं ये खा रही हूँ, तो मिलती हूँ फिर आपको डिनर के टेबल पे, तो ज़रा इफ्तारी कर लें फिर आगे चलते हैं, बाय।